हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सबका फेवरेट क्या ये मोहब्बत है? तो चलिए, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा प्यार, थोड़ा तकरार सुनते हैं। अरे हमारे स्टोरी में मेरी थोड़ी ना, तो हाँ आगे बढ़ते हैं, हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले प्रीवियस पार्ट, तो प्रीवियस पार्ट देखने से पहले कुछ कहे? अरे छोड़ो, जान दो, कुछ नहीं कहते। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड चलिए प्रीवियस पार्ट की तरफ ले चलते हैं। तो हमारी जो अभियांशी होती है वो सारी चीज़ें बता देती हैं, और उनको शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस करना होता है। वो बोलती हैं कि बस कुछ महीने उनको उनकी वाइफ बन के उनके घर पे रहना पड़ेगा, बट उसके बाद प्रीवियस पार्ट में ये देखते हैं कि अभियांशी अपना शर्त बता देती हैं और रैना को बोलती हैं, जो हमारी रैना होती हैं वो सोचते हुए केबिन से बाहर निकल जाती है। देन आगे अब वो जो अभियांशी ने बोला होता है रैना को, तो हमारी रैना सोच में पड़ी हुई होती हैं, और वो जो ऑफिस का कॉरिडोर होता है वहाँ से वो गुजर रही होती है। वहाँ पे मैनेजर जो होता है, मैनेजर जो होता है वो आता है और पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई हमसे? तो कहती है कि हाँ हो गई, और वो उसकी बातें सोचते हुए निकल जाती है कंपनी के बाहर। और एक वहाँ पे गार्डन छोटा सा होता है, वहाँ पे एक चेयर होती है, वहाँ पे बैठती है तपती हुई धूप और भरी गर्मी में बैठ के। उस वो धूप उसके शरीर पे असर नहीं डाल रहे होते, माथे से पसीना आ रहा हुआ होता है और वो आँखों से भी उतना ही रोए जा रही होती है। और एक छोटा सा उस कंपनी के सामने एक मंदिर होता है, फिर वो जाती है वहाँ पे और भगवान जी से हाथ जोड़ के कहती है हमारी रहना कि भगवान जी अब किस दो राह पे लाके खड़ा कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ? एक तरफ मेरे पिताजी हैं और दूसरी तरफ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैंने तो ये प्यार किसी अभी तक उसको बताया भी नहीं है, मैं क्या करूं? अगर मेरे पापा की इलाज नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो ज़िंदगी को अलविदा कह देंगे और मेरी माँ टूट जाएगी, और मैं क्या करूं, कैसे फैसला लूँ? हे भगवान, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। तो उसी टाइम उसके माँ का कॉल आता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे डैड की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है, क्या करें हम? तो कहती हैं कि माँ मैं कुछ करती हूँ, और कहती हैं कि थैंक यू भगवान जी रास्ता दिखाने के लिए। और ऐसे आँखों से आंसू बहते हुए पूछते हुए वो आगे बढ़ने लगती हैं और आगे बढ़ते हुए जा रही होती हैं। मगर कोई दूर अपने केबिन से कोई किसी को देख रहा होता है। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो पहुंचती है फिर से अपने ऑफिस और अंदर जाती है उसके केबिन की तरफ और फिर से नॉक करती है एक बार फिर से अभियांशी का केबिन। और अभियांशी का केबिन नॉक करने के बाद जाती है अंदर और बोलती है ठीक है मैम, मैं रेडी हूँ, और बट मेरे डैड का जो भी ट्रीटमेंट का जो भी होगा वो आप अभी करवाएंगी। तो कहती हैं अभियांशी कि ऑफकोर्स रहना, मैं करवाऊंगी और तुम इस बात के लिए तैयार हो, मुझे खुशी है तुमने ज़्यादा वक्त नहीं लिया, नहीं तो शायद तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी हो सकता था। इधर जो होता है वो अभियांशी एक कॉल लगाती है रैना के सामने ही और कहती है कि ट्रीटमेंट के लिए पैसे भर दो रैना के फादर का,
और वो कुछ ही मिनट में उसके मॉम का कॉल आता है कि बेटा अब पैसे जमा हो गए, ऑपरेशन होने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है तुम्हारे डैड को। तो कह रहे हैं ठीक है मॉम, आप ध्यान रखिएगा और अपना भी। तो कह रहे ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। और उनके आँखों से आंसू बह तो नहीं रहे थे मगर आँखों में आंसू भरे हुए थे। और हमारी एवेंश्री कहती हैं कि मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया, वो आ रहा है, तुम्हें साइन करना होगा बट कुछ लोग होंगे उनके सामने करना होगा और तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा इस बात को। तो बट ये तो बात कहती हैं कि बट वट कुछ नहीं, अगर मगर कुछ नहीं, रहना ठीक है ऐसे बोलती हैं। और अब तुम जा सकती हो, और ये बोल के उनके तरफ से मुंह घुमा लेती हैं हमारी अभियांत्री। और इधर रहना जो होती हैं वो अपने जाकर टेबल पे बैठती हैं, और टेबल पे बैठ के फिर से जो चैटिंग ऐप होता है उसको ऑन करती हैं और वो अभी को मैसेज करती हैं। और जो दूर से देख रही होती है और कोई नहीं होता, वो हमारी अभियांत्री होती है जो रैना को मंदिर के सामने खड़े होते हुए देख रही होती है। सॉरी, तो रैना तो नहीं पता होता है कि अभियांत्री है उसको देख रही है, मगर अभियांत्री अपने कैबिन से खड़े होकर उसको देख रही होती है। और उसको उम्मीद होता है कि अभियांत्री की जो शर्त है वो रहना मान जाएगी, क्योंकि वो बेहद ही क्रिटिकल कंडीशन में फंसी हुई रहती है। तो कहती है कि अब ये तो हो गया। और अपने दादी को कॉल लगाती है अभियांत्री और कहती है दादी मैं शादी कर रही हूँ और आपको बहू चाहिए थी ना, आपकी बहू आपके घर आएगी आज, प्लीज़ आप दवाई और खाना खा लीजिए, अपनी बहू से मिलना है ना आपको। तो कहती है हाँ हाँ व्यांशी मुझे मिलना है। डॉक्टर को वो बुलाते हैं उनके दादाजी और कहते हैं कि आप इंजेक्शन लगा दीजिए। अब अभियांशी की दादी तैयार हैं और वो जीना भी चाहती हैं। वो उनकी बॉडी फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे लगते हैं, अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगती है और मेडिकेशन भी रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिससे थोड़ी सी उनके हालात सुधर जाते हैं। इधर इन जो राना होती हैं उनके टैट की भी सर्जरी हो जाती है 3 घंटे में और वो फिर आईसीयू शिफ्ट करते हैं। इधर अभियांशी जो बैठी होती है अपनी डेस्क पे और अभी को मैसेज करती हैं, अभी को मैसेज उनके फ़ोन पे मिलता है और कहती हैं कि आज ये दिन में तो रैन इसने मुझे अभी कैसे याद करते, बड़े खुश होके वो रैन को रिप्लाई करते हैं अभी। और अभी जो होती हैं कहती हैं हाय रैन क्या हुआ इस टाइम कोई प्रॉब्लम, तो पूछ कहती हैं नहीं कुछ नहीं बस दिल किया कि मैसेज करूं। तो कहती हैं कि ठीक है हम बट कोई बात है तो बता सकती हो। तो कहती है कि नहीं नहीं अभी कोई बात नहीं है बट हाँ अभी अगर आज के बाद मेरा मैसेज ना आए आपको तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, बस यही बताने के लिए किया था। तो कहती हैं कि अभी कहती हैं कि क्यों कहीं जा रही हो क्या, तो कहीं कहती हैं नहीं कहीं जा नहीं रहे हैं मगर हालात मेरे जो घर के हैं ना मैं उस हालात में फंस चुकी हूँ और इसलिए। तो कहती हैं कि ठीक है बट कहती हैं कि रैन, तो कहती हैं हाँ ऐसे लग रहा होता है कि ये जो दोनों चैट कर रहे होते हैं वो आमने सामने बैठ के कर रहे होते हैं, बस इमेजिनेशन में शक्ल नहीं होती बाकी सब होते हैं, तो इमेजिनेशन इनकी कंप्लीट नहीं हो पाती। और अभी कहते हैं कि कुछ नहीं बाय बाय दोनों करते हैं एक दूसरे को और रख देते हैं फोन और
फिर इधर फिर से अवयांशी जो होती हैं अपने मैनेजर को बोलती हैं और रैन को बुलाने के लिए। रैन आती हैं और उनके कैबिन में उनकी फ्रेंड जो जो होती हैं कंगना, प्रीति, अजय, जय, प्रीत, सब लोग आते हैं और वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है और उस पे ये लिखा हुआ होता है कि मतलब वो 8 महीने तक अव्यांशी सिंहदेव की घर पे वाइफ बन के रहेगी और इस बीच में अगर कुछ होता है, अगर वो छोड़ के जाती है तो मतलब वो अमाउंट भी लिखा होता है कि इतने का ये क्लेम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ उसमें लिखी होती है बाकायदा। और इनके फादर का ट्रीटमेंट अव्यांशी सिंहदेव करेंगी और सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है बाकायदा, क्योंकि हमारी अव्यांशी भाई बिजनेस वुमन है तो कैसे 1 रुपया एक्स्ट्रा कर सकती हैं, ज़्यादा ही कर कम कहीं कम कर क्यों करेंगी, एक्स्ट्रा ही कर सकती हैं। तो हमारी जो रहना होती है मनी मन अव्यांशी को गाली बक रही होती हैं कि ये सिर्फ शक्ल से शरीफ दिखती है बट कर्मों से तो चुड़ैल, ऐसा बोलती है, एक नंबर की चुड़ैल, खड़ूस, एरोगेंट। पता नहीं किस घड़ी में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। और मन ही मन बड़बड़ाते हुए पेन हाथ में लिए हुए साइन करती हैं, कहती हैं अभियांशी की पढ़ा नहीं तुमने, तो कहती हैं कि नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, जब 8 महीने का ही है तो क्या पढ़ के कर देना। तो अव्यांशी ये आंसर सुन के थोड़ा सा चौंक जाती हैं और फिर उनके साइन करने के बाद वो भी साइन कर देती हैं और वो अपने जो वकील होता है उसको कागज़ दे देती हैं। और इधर जो अजय और जय, प्रीत, प्रीति और कंगना होते हैं वो फूलों का माला लेके आए हुए होते हैं और वो ऑफिस में ही एक दूसरे को माला पहनाते हैं और कहते हैं, दोनों बोलते हैं कि बधाई हो, आज से तुम दोनों पत्नी, किसको पति बोले और किसको पत्नी। तो हमारी अभियांची घूर के देखती है अजय की तरफ और आंखों में ही इशारा करती है डोंट। तो और अभियांची जो होती हैं वो खुश होती हैं या नहीं होती हैं वो तो किसी को पता नहीं चलता, मगर उनको इस बात की खुशी होती है कि उनकी दादी रिस्पॉन्स कर रही हैं और कंगना, प्रीत, प्रीति और जय, अजय सब बोलते हैं कि अरे तुमने शादी कर ली भाई, अब तो पार्टी बनती है, पार्टी कब दे रही हो। तो कहती हैं कि पार्टी, तुम सबको पार्टी चाहिए, किस किस चीज़ के लिए। तो कहते हैं अरे भाई तुमने शादी की है, तो कहते हैं हाँ तुम्हें पार्टी चाहिए ना, पार्टी मिल जाएगी, निकलो यहाँ से तुम सब। तो फिर कंगना कहती है कि तू कैसी फ्रेंड है यार, तू बुलाती भी है फिर भगाती भी है। तो कहती हैं कि यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत थी इसलिए तुम सबको बुलाया था, अब तुम सबका काम ख़त्म, निकलो यहाँ से। तो कहती हैं कि अप्रीत कहती हैं कि अरे रे रे हमारी भाभी जी जो हैं अब हमसे क्यों अभी बात करेगी, ऐसे बोलने वाली होती हैं तो वो रुक जाती हैं, ये तो हम मतलब वो पूरा अभी नाम नहीं लेती हैं, नव्यांशी ही बोलती हैं। तो कहती हैं कि अब ये मुझसे बात क्यों, हम लोगों से क्यों बात करेगी, अब तो ये सिर्फ भाभी से बात करेगी, ऐसा छेड़ते हैं। देखते हैं चल फिर अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है चल बाय, सब बाय बोलते हैं। और अजय जो रहने की तरफ बढ़ रहा होता है तो क्या अव्यांशी की आंखें उस पर टिकी हुई होती हैं और अजय फिर दूर से ही नमस्ते करके चला जाता है और रहना वहाँ से जाने लगती है। तो कहती हैं हमारी अव्यांशी कि तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती हैं कि मुझे काम था डेस्क पे, तो मैं कहती हैं तुम ऐसे जाओगी। तो कहती हैं कि फिर ध्यान आता है कि वो माला पहनी हुई है और धीरे धीरे जो हमारी अभियांशी होती हैं
वो रैना के पास आके खड़ी होती है एकदम करीब, जो उनकी सांसें एक दूसरे को सुनाई पड़ रही होती हैं। सुनाई पड़ने के बाद वो एक ख्याल उनका एक दूसरे पर आता है और फिर टूट जाता है, और उनके गले से वो माला हटा लेती हैं। और माला हटाने के बाद जो होता है कहते हैं कि अब जाओ, तो जाने लगती हैं। तो फिर उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती सुनो, तो फिर टर्न होती हैं और उनका हाथ और अवियांशु ने पकड़ा हुआ होता है। तो कहती हैं कि भागने की सोचना भी मत, समझी? तो मैं अवियांशी सिंह देव हूँ, पता है क्या? सिंह देव, तो मैं कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूँगी। और सेकंड थिंग कि अब तुम आज से ही, अभी से ही मेरी पत्नी हो, तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, अपने इज्जत पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ये बड़े एटीट्यूड और एरोगेंट लहजे में बोलती है। तो कहती है कि जी, और वो इतना टाइटली हाथ पकड़ी होती है रैना की, जो उसके हाथ के निशान उसके हाथों पे बन चुके होते हैं, और वो छोड़ देती है उसका हाथ और वो वहाँ से चली जाती है रैना। और रैना उस कशमकश में बस डूबी हुई होती है कि कहाँ फंस गई मैं। बट उनकी माँ जब फोन करती है कहती है कि बेटा तुमने कैसे किया, तो कहती है कि वो मत पूछिए माँ, मैं वो नहीं बता सकती, मगर बस इतना समझ लीजिए कि मैंने बस आपकी खुशी का ध्यान रखा है, और बाकी सब आप छोड़ दीजिए, आप डैड और अपना ध्यान रखिएगा, और मुझे कुछ टाइम तक मैं घर आ नहीं पाऊँगी। तो कहती है बेटा फिर कहाँ जा रही हो, कुछ तो बताओ। तो कहती है कि मॉम मैं टाइम टाइम पे आपको कॉल करती रहूँगी, ठीक है? आप बस एक बार पापा ठीक हो जाए तो मैं सब आप सबको बता दूँगी। रैना बोलती हैं और फ़ोन रख देती हैं, और उनके आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं वो अभियांची पे गुस्सा भी होती हैं। फिर शाम ढलती है, सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं, और अभियांची आके रैना के केबिन के सामने खड़ी होती है। अभियांची को जब खड़ी हुई देखती है रैना, तो जैसे उनकी ज़िंदगी का एक खड़वा सच उनके सामने खड़ा हो चुका होता है अभियांची के रूप में। और वो समझ जाती हैं कि अभियांची अब घर के लिए निकल रही हैं, तो इसलिए वो खड़ी हैं। तो अपना बैग उठाती हैं और बढ़ चलती हैं रैना के, अरे सॉरी, अभियांची के साथ। रैना ड्राइवर ड्राइव करता है और दोनों कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो मंजिल इनके आते ही घर में बड़ा खुशी का माहौल होता है, और तो अगर कोई खुश नहीं होता है तो वो सिर्फ उनकी माँ होती हैं, और इनके दादाजी, इनके जो भाई होते हैं और जो इनकी दादी होती हैं, सब काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ पे उनके फ्रेंड्स अजय, प्रीति, प्रीत, जय सब आ चुके होते हैं, और काफ़ी सब खुश होते हैं। उनकी दादी आती हैं, दादी जो होती हैं व्हील चेयर पर बैठी हुई होती हैं, तो दोनों एक घुटने पे बैठते हैं और दादी उनकी आरती करती हैं, और एक चावल से भरा कलश रखती हैं और कहती हैं कि बेटा राइट पैर से इसको अंदर की तरफ झुकाते हुए अंदर आओ। और वो सारे उनके साथ रीति रिवाज होते हैं जो एक शादीशुदा जोड़े के साथ होते हैं, वो अंदर जाती हैं। तो जब अंदर जाती हैं, जब वो पैर झुकती हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनकी जो दादी होती हैं वो कहती हैं कि तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना, सिंदूर नहीं पहना, तो अभियांची तूने शादी कैसे की? तो कहती है कि दादी वो मैंने कोर्ट मैरिज की है ना, तो कहती है कि वो अलाउ है? तो कहती है कि नहीं, बट कुछ सिस्टमेटिक को तरीके से मैंने किया इसलिए अलाउ है।
तो कहती हैं कि तो अपने नौकर को बुलाती हैं, वो जो उनका नौकर होता है, उनकी सब उनकी दादी बुलाती है अपने नौकर को और बोलती हैं कि मंदिर से सिंदूर और बंदी और चूड़ी और मंगलसूत्र लिया, वहाँ पे रखा हुआ है, तो तेरे डैड ने तेरी माँ को पहनाया था और तेरी माँ ने अभी उतार के बस वो मंदिर में रखा हुआ है। तो मंदिर में क्यों? दादी तो कहती हैं कि हमारे यहाँ के नियम है कि हमारी बहुएं अगर विधवा होती हैं तो अपना मंगलसूत्र उतार के मंदिर में रखती हैं। तो वो मंगवाती हैं, कहती हैं अवयांशी ले, आप तू पहना। अवयांशी उस टाइम उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते हुए कुछ नहीं सोची थी, मगर सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाते हुए वो सोचने लगती है और वो उसको देखती है और फिर एक बार मंगलसूत्र की तरफ देखती है और ये कहती है कि ये क्या हो दादी। फिर कहती है कि क्या सोच रही है अवयांशी, तूने शादी की है ना इससे? तो कहती है कि हाँ दादी की है मैंने। उस वक्त अवयांशी को ख्याल रैन का आ रहा होता है, बट अपनी दादी के सामने वो मंगलसूत्र पहनाती हैं, फिर सिंदूर लगाती हैं, हाथों में चूड़ी और माथे पे बिंदी सजाती हैं। कहती है कि अब ये लग रही है ना नई नवेली दुल्हन, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर उनके जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और बेटा तुम्हारा नाम क्या है, उनके दादाजी पूछते हैं। उनके दादाजी जब पूछते हैं तो दादाजी के भी दोनों लोग पैर छूते हैं और कहते हैं अवयांशी की तरफ देखती हैं, तो कहते हैं उनके दादाजी कि तुम इसके तरफ क्या देख रही हो, मैं इसका दादा हूँ और तुम भी मुझे दादाजी बुला सकती हो, ये तुम्हारी दादी और ये तुम्हारी सास और ये तुम्हारा देवर है। तो इतने सारे रिश्ते एक साथ, वो भी उम्मीद नहीं होती है रैना को कि इतने सारे रिश्ते उसे यहाँ मिल जाएंगे और वो इन रिश्तों को निभाएगी कैसे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस रिश्तों को वो जानती नहीं है अचानक से उसके सर पे आ जाते हैं। और अब वो अभियांशी की तरफ देखती है, फिर उसके दादाजी की तरफ देखती है, कहती है जी दादाजी, और फिर कहते हैं कि तुम दोनों जाओ और रेस्ट कर लो। और वो अपने नौकर को बोलते हैं कि सारा सामान, तो कहती हैं कि दादाजी वो मैं कुछ सामान लेके नहीं आई। तो अवयांशी को बोलते हैं कि बहू के लिए सामान मंगवाओ तुम, तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके फ्रेंड्स अवयांशी को देखते हैं और कहते हैं कि वाह अब ये देख तेरी कंप्लीट शादी हो गई है, अब तो रिसेप्शन बनता है। तो कहती हैं कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने बुलाया? तो प्रीत कह रही है कि मतलब तुझे इस बात की फिक्र है कि हम लोगों को किसने बुलाया? तो कहती है कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो बुलाया नहीं तुम सबको, तो तुम कैसे आ गए सब यहाँ पे? तो कहती हैं जो हमारे जय होते हैं, कहती हैं कि हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं मैडम, हमें दादाजी ने बुलाया था। तो कहती हैं फिर वो कहते हैं चल हम लोग शाम को मिलते हैं। तो शाम तो हो गई है, तो कहते हैं अरे अगले मॉर्निंग शाम को मिलते हैं, तेरा कल रिसेप्शन है ना, दादाजी ने बोला था कल रख रहे हैं हम। तो कहते हैं कि क्या ये क्यों? तो कहती हैं कि ये सब सवाल तू जान और दादाजी जाने, हमें क्या पता, हमें तो दादाजी ने बोला था आ जाने के लिए, तो हम आ जाएंगे पार्टी में, चल हम निकलते हैं, काफ़ी रात भी हो गई है। तो वो चले जाते हैं और जो हमारी जो रैना होती है वो कमरे में चली जाती हैं और अवयांशी भी, अवयांशी और रैना दोनों ही एक कमरे में अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, मगर रैना जो है वो अलग कमरे में जा भी नहीं सकती और अवयांशी भी नहीं जा सकती। तो मन ही मन हमारी रहना अवयांशी को बोले खड़ूस पागल, पता नहीं किस सन के इंसान से मैंने शादी कर ली, मेरी अभी तो मेरी अभी से बात भी नहीं हुई, पता नहीं उससे अब बात भी हो पाएगी नहीं। और इधर अवयांशी रहना की तरफ देख रही होती है और
उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, इन ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन में दोनों हैं, इस ऑकवर्ड सिचुएशन में इन दोनों के साथ क्या होता है, इनकी ज़िंदगी में और क्या भूचाल आता है, क्या जो भी अव्यांशी ने किया क्या सही किया, क्या रैना ने जो अव्यांशी ने जो बोला वो कर दिया वो सही है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। चलिए बाय, टेक केयर।